हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लीगल तरीके से पोलैंड में जॉब चेंज करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने देखी हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जॉब कैसे चेंज करनी है, बट उन वीडियोज़ में इतनी क्लैरिटी नहीं है जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि कैसे जॉब चेंज करनी है। बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप अपनी जॉब पोलैंड में कैसे चेंज कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से, जिसके साथ आपके नेक्स्ट वर्क परमिट और नेक्स्ट टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब कर रहे हो पोज़नान में। पोज़नान एक सिटी है पोलैंड में और जो विल्कोपोल्स्की प्रोविंस में आती है, जो प्रोविंस को यहाँ पे पोलैंड में वोयवोदाशिप भी कहते हैं। तो जो पोज़नान सिटी है वो अंडर आती है विल्कोपोल्स्की वोयवोदाशिप के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो पोज़नान में और आपका वर्क परमिट वहीं से आया है और आपका TRC कार्ड भी वहीं से अप्लाई हुआ है, तो आपको मान लेते हैं कि एक साल हो गया जॉब करते हुए और आपके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी आई है, एक अनदर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब, और आप चाहते हो कि मैं अपनी जॉब स्विच करूं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है आपको जॉब की मिल रही, वो है वर्शावा में, मींस के वॉर्सो में। तो अब आप अपनी जॉब कैसे चेंज करोगे लीगल तरीके से? देखो, जब आपका लास्ट डे होगा आपकी जॉब के ऊपर, तो आपको अपनी वोयवोदाशिप ऑफिस में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। उस फॉर्म में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो आपसे पूछेंगे, ये फॉर्म जो है इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ये आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और इस फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, फिर उसके बाद आपको अपना जहाँ पे आप रहते हो उस सिटी का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और उसके बाद जहाँ पे आप रहते हो उसका, उस घर का या उस फ्लैट का या रूम का उसका एड्रेस आपको फिल करना है, और एक और एड्रेस फिल करना है जिसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो नीचे वो एड्रेस आपको फिल करना है, वो एड्रेस आप वो भी डाल सकते हो जहाँ पे जाकर के आप अपनी नेक्स्ट जॉब करोगे। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद नीचे वो पूछेंगे कि आपका लास्ट डे, आपकी जो प्रीवियस जॉब थी वो क्या था, ठीक है। आपको अपनी डेट डालनी है, जो आपका लास्ट डेट होगा वो डेट आपको नीचे डालनी है, और नीचे आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन करोगे, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे थे उस कंपनी का नाम आपको नीचे लिखना है, ठीक है। और फिर उसके नीचे एक और लाइन होगी फॉर्म में कि आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लिखना है कि आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब इन वॉर्सो, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मैं अपनी नेक्स्ट जॉब जा कर के कहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो शहर है वॉर्सो, ठीक है। जो वॉर्सो शहर है वो आता है मासोवियन वोयवोदाशिप में, ठीक है, क्योंकि प्रोविंस चेंज हो रही है। एक्चुअली इसका लॉजिक जो है, मींस के क्यों आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है वोयवोदाशिप को, इसका लॉजिक जो है वो ये है क्योंकि आपकी प्रोविंस चेंज हो रही है, ठीक है। जब प्रोविंस चेंज होती है तो हमें अपनी पहली वाली प्रोविंस जहाँ से हमारा वर्क परमिट एंड TRC कार्ड आया होता है, उनको हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम अपनी ये वाली प्रोविंस को छोड़ करके दूसरी वाली प्रोविंस मूव हो रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, ये इसका लॉजिक है। तो फिर आपको वो फॉर्म प्रिंट आउट करके उसको, ये इन्फॉर्मेशन सारी फिल करके उसको उनके एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर देना है, ठीक है, ये एक चीज़ करनी है। फिर उसी को PDF में कन्वर्ट करके उनको मेल कर देना है, ठीक है, ये दो चीज़ें करनी है। जिस दिन भी आपका लास्ट दिन हो आपकी जॉब का, उस दिन
या उसके दूसरे ही दिन आपको ये काम कर देना है, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 15 वर्किंग डेज मिलेंगे, मीन्स के 3 वीक्स। अगर आप सैटरडे संडे निकाल देते हो तो 5 5 5 3 वीक्स आपको मिल जाती हैं। तो आप जितना जल्दी इस चीज़ को करोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लीगल तरीके से जॉब चेंज करनी है। और मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है जिसने इन्फॉर्म नहीं किया, अपनी वोयवोदाशिप को इन्फॉर्म नहीं किया। तो उसके पास कार्ड था, उसके कार्ड की वैलिडिटी थी 3 ईयर्स। अब 3 ईयर उस कार्ड की वैलिडिटी थी, और वो जिस रूम में रहता था उसका एक और फ्रेंड था वहाँ पे। तो उसका जो फ्रेंड था उसके कार्ड की इंक्वायरी आनी थी, ठीक है। उसके कार्ड की इंक्वायरी जिस दिन ऑफिसर्स आए, तो ये मेरा फ्रेंड जो था वो भी साथ में बैठा हुआ था। तो उन्होंने उनकी इंक्वायरी की, ठीक है, मेरे उसके फ्रेंड की फ्रेंड की। तो ऑफिसर्स ने इसको भी पूछा कि तुम्हारा कार्ड कहाँ पे है। तो ये कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास तो कार्ड है, और जिसकी वैलिडिटी भी है, अभी 1 ईयर हुआ है, अभी 2 ईयर्स की और पेंडिंग है। तो इसने अपना कार्ड दिखाया उसको, ऑफिसर को, और ऑफिसर्स ने पता नहीं कौन सी मशीन में उस कार्ड को डाला, मैंने इस चीज़ को फेस नहीं किया है। तो बट उनके पास एक मशीन रहती है जिसमें वो कार्ड को डालते हैं, और उनको ऑनलाइन पता चल जाता है कि ये कार्ड जो है ये वैलिड नहीं है। इवन कार्ड के ऊपर डेट लिखी हुई है कि ये 2026 तक वैलिड है, बट एक्चुअली जब वो सिस्टम में डालते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये कार्ड वैलिड नहीं है। तो मेरे फ्रेंड को उन्होंने 30 डेज़ का टाइम दिया था कि 30 डेज़ के अंदर अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आपको पोलैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ही डिडंट इन्फॉर्म द वोयवोदाशिप, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने वोयवोदाशिप को इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए उसका कार्ड तक कैंसिल कर दिया गया। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो तो उन्होंने, ये एक आर्टिकल है पोलैंड, ये इतना स्ट्रॉन्ग रूल है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 के अंडर सेक्शन 21 में लिखा है कि आपको इन्फॉर्म करना है, एवरी फॉरनर वर्किंग इन पोलैंड मस्ट इन्फॉर्म व्हेन ही इज़ चेंजिंग देयर एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। और पहले पहले तो मैं भी इसको सीरियस नहीं लेता था, मैंने भी जब फर्स्ट जॉब अपनी चेंज की आज से 3 ईयर्स पहले, तो मैंने सिर्फ मेल लिखी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मेरे को बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है। तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, जहाँ कोई भी आपका फ्रेंड है वो जॉब चेंज करना चाहता है, तो प्लीज़ ये बहुत वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मीन्स के आपकी लाइफ सेविंग वीडियो है। अगर आपका कार्ड ही आपके पास नहीं है, आपका कार्ड वैलिड नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। आप इंडिया जा तो सकते हो बट वापस नहीं आ सकते। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोग वरी होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं इंडिया या फिर किसी और कंट्री, तो अगर उनका कार्ड वैलिड नहीं होगा तो वापस कैसे आएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने सिस्टम में डाल करके उसको चेक कर लिया, तो दे विल स्टॉप यू देयर एट द एयरपोर्ट। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जॉब चेंज कर रहा है, जहाँ फ्यूचर में सोच रहा है कि जॉब चेंज करनी है। तो ये इसका लीगल प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आप। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आपको इन्फॉर्म उसी टाइम करना है जब आप प्रोविंस चेंज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक ही प्रोविंस में रह करके जॉब चेंज कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जब आप प्रोविंस चेंज कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पोजनान से वॉर्सो जा रहे हो, क्योंकि वॉर्सो की जो प्रोविंस है वो है वोयवोदाशिप है, वो है मासोवियन, और जो पोजनान है वो है विल्कोपोल्स की वोयवोदाशिप। और जहाँ फिर पोजनान से गिदाइंस्क जा रहे हो, जहाँ पोजनान से व्रोस्वफ जा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मीन्स के प्रोविंस चेंज हो रही है, तो आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। और बाय पोस्ट
एंड बाय ईमेल, ठीक है। और मैं फॉर्म का लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और फॉर्म का नाम है टर्मिनेशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।